مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اس ادارے کے مؤسس منتظم محترم اور آج کی تقریب صحیح کے مشائخ اعظام خطباء ملت اس ادارے کے قابل سر احترام اساتذہ کرام معلمین و مدرسین کرام آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے تمام متخرجین اور فضلائے کرام حفاظ کرام و مجددین کرام سلسلہ محمدیہ سیفیہ کے تمام اکابر مرشدین اور مسترشدین فیض رسان اور فیض یافتگان صالحین و کاملین اہل دانش اور میرے عزیز دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ڈاکٹر کرنل سرفراز احمد صاحب کو نہایت اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس ادارے اور پروگرام کے نظم کو ڈسپلن کو ترتیب کو نصب دیکھ کر مجھے سوائے اسپیکر کے یہاں کا ماحول بہت پیارا نورانی اور عقیدت و محبت سے معمور مجھے
मेरी हमेशा ख्वाहिश रही और मैं जब भी खास तौर पर पंजाब में आता हूँ तो अपील करता हूँ कि शख्सी तकरीम और जलालत पर इज्तिमाई नज़्म तौर पर दी जाए कि एक शख्स आता है तो हलचल मच जाती है, यहाँ मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई और इससे किसी के मर्तबे जलालत मकाम और अजमत में कोई फ़र्क वाक़या नहीं हुआ। लिहाजा ये जो हल्ला गुल्ला हलचल हड़बोंग का कल्चर ख़त्म होना चाहिए और आज के इज्तिमा को सब के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए। मैं हैरान होता हूँ कि एक शख्स का नफ्स क्यों इतने उजब से मामूर हो जाता है कि पूरी मजलिस के नज़्म को वो गारत कर देते हैं अपनी शख्सी वजाहत के लिए। जब हम अपनी वजाहत और नफ्स के उजब की कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर ऐसे लोगों से दीन के लिए किसी और कुर्बानी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मैंने मियां मोहम्मद सैफी साहब से एक डेढ़ अशरा पहले मुलाकात में अर्ज़ किया था कि दीनी इदारों का नज़्म कायम कीजिए, उम्मत को मिल्लत को दीन को मसलक को इसकी ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि इन्होंने अच्छी शुरुआत की और आज मुझे पता चला कि इस इदारे के तलबाए किराम ने पाकिस्तान लेवल पर पाकिस्तान की सतह पर तंजीम और मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के मुख्तलिफ दर्जात के इम्तहानात में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैं इन तमाम तलबा को जो मेरे अजीज़ हैं मेरे बच्चे हैं मेरे महबूब हैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाली ज़िंदगी में उनकी तरक्की के लिए बुलंदी दर्जात के लिए और दीन की राह में अजीमत और इस्तिकामत के लिए दिल से दुआ करता हूँ। मैंने यहाँ बैठकर जो कुछ सुना मुझे उस पर भी बहुत कलाम करना था क्योंकि मुझे बार बार मौके नहीं मिलते और मेरे मुखातबीन ये स्टेज के लोग वैसे भी नहीं होते, जो स्टेज के मुकाबले मेरी सतह के लोग हैं वो होते हैं, तो मुझे कुछ इस्लाम की बातें भी करनी होती हैं लेकिन वक्त काफ़ी खर्च कर चुका है और वक्त के खर्च करने में कुछ किफ़ायत से काम नहीं किया गया। मैं अपने महबूब मुकर्रम डॉक्टर कर्नल सरफराज अहमद साहब से अपील करूंगा कि फौजियों के यहाँ रिहर्सल होती है फौजी सालाना परेड की भी यूनिवर्सिटीज में कन्वोकेशन की रिहर्सल होती है, इसलिए आइंदा इसको अपडेट करें और इसके मैकेनिज़म में ज़रा तेज़ी लाएं
ताकि इतने अल्लाह के बंदे और इतने उलमा जमा हैं तो एक एक मिनट को इस तादाद से दर्द देनी पड़ेगी कि हमने इतने मिनट्स का या इतने घंटों का इस्तेमाल क्या किया। उसके बाद दीन और मसलक के लिए जो इंस्टीट्यूशंस, जो इदारे बुनियादी अहमियत रखते हैं, एक तो मस्जिद है, एक मदरसा और जामिया है, एक हमारी खानकाहें हैं और एक हमारी दीनी और सियासी तंजीमात हैं। इन पर इंहिसार है हमारे हाल का, हमारे मुस्तकबिल का, क्योंकि जो लम्हा गुजर गया वो पलट कर नहीं आता है। जो लम्हा आने वाला है उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके पास जो असासा, जो एसेट, जो दौलत है वो लम्हा मौजूद है, और ये देखना होगा कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। तंजीमों का जो हाल है वो आप जानते हैं, नाम है, पहले हैं, काम नहीं है। लीडर है, पीछे आवाम नहीं है। तंजीमें हैं, नज्म नहीं है। जमाते हैं, जमीयत नहीं है। और हम खुद भी धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। इसलिए मैंने से दो दिन पहले मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि इस वक्त बिलमूम तमाम तंजीमों की जो रौनक है वो आपकी प्रोडक्ट है, आपका सरमाया है। कोई भी प्रोग्राम देखें तो अक्सरियत के पगड़ियों मुझे लगाएंगी और मुझे नहीं मालूम कि उन तंजीमों के अहदेदारों का अपना अफरादी सरमाया, मैन पावर और कुव्वत क्या है और कहाँ है। दूसरा धोखा हम ये खाते हैं और देते हैं कि बार बार इत्तेहाद कर लो। चंद साल पहले नौ जमातों का इत्तेहाद हो गया, ये भी बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है। इत्तेहाद के माना होते हैं कि कसरत को फना करके वहदत में जम हो जाना। मैंने कोई इत्तेहाद नहीं देखा अहले सुन्नत का जिसमें कसरत को फना किया गया हो और किसी ने अपनी क़यादत की कुर्बानी दी हो। सुदूर पहले से हैं, एक को ग्यारहवा सदर बना लो तो मुझे भी लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये दस थोड़े हैं। इसलिए हमारे इत्तेहाद भी खुद फरेबी होती है, फरेबदही होती है, हकीकत नहीं होती। हकीकत तब होगी कि जब ये लोग कुर्बानियाँ देंगे अपने मनासिब की, अपने उहदों की, उसके बाद जब जगह पैदा होगी तो फिर अल्लाह ताला उसको पुर करने के लिए अपने बंदों को कायम फरमा देगा। तो तंजीमों का हाल तो हमारा ये है। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक, चमन से वागा तक, इस तबके का कोई सेनेटर होना अपनी मसलकी पहचान के साथ, जमाती पहचान के साथ, सेनेटर होना, एमएलए होना, एमपीए होना, कोई यूनियन का चेयरमैन होना तो दूर की बात है, काउंसलर भी नहीं मिलता। और जब ये कहते हैं हम 80% हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारा दिमाग काम भी कर रहा होता है या नहीं होता है। 80% है तो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
80% हैं तो किस फोरम पर नजर आ रहे हैं? इसलिए अब बाकी रह गई हमारी खानकाहें। खानकाहों के दो काम थे, एक तालीम, क्योंकि जितने अकाबिर औलियाए कामिलीन और मशायख के एग्जाम थे वो अपने अहद में इल्म के भी आला मकाम पर फायज थे। यहाँ आला हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला का नाम लिया गया तो वो इल्म के भी मुक्तदा थे, वो इल्म के भी पेशवा थे। दूसरा तालीमी इदारे, तीसरा तज़किया तरबियत, जो फ़राइज़ नबूवत में से है। तो मुझे तज़किया और तरबियत के मराकिज़ कहीं नज़र नहीं आते हैं। हाँ, हमने पीरी मुरीदी को स्पिरिचुअल फ्यूडलिज्म में जरूर तब्दील कर दिया है कि ज़मीनों की जागीरदारी है, एक रूहानी जागीरदारी है जो विरासत की तरह तकसीम होती है। कोई मेरिट नहीं, कोई मेयार नहीं, कोई तशर्रो नहीं, कोई तदयुन नहीं। ये एक और धोखा है और ये अहले सुन्नत के खानदान उलमा के अफराद हैं, उसमें उलमा का भी कोई इस्तिस्ना नहीं है। उन उलमा का काम तो कलमे हक बयान करना है, उलमा का काम तो रोकना और टोकना था, उलमा का काम रो में बहना नहीं था, बल्कि गलत समझ में बहने वाली रो के आगे सद बन जाना था, रुकावट बन जाना था। लेकिन उलमा ये फर्ज अदा न कर सके, वक्त के माया नाश को दबा आरास में गए, मकाम में लाए, शान में लाए, करामात में लाए, बयान की नारे लगवाए, फिर नस्बत के फजाइल बयान किए। लेकिन कोई एक शहादत मुझे दे कि ये भी कहा हो कि जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ उस बाबा साहब की है जो कब्र में लेटे हुए हैं, इस करीम शव सरकार की नहीं। कौम को आप उनके कदमों में ढेर कर दें तो दीन को क्या मिलेगा? वसाइल को आप उनके कदमों में निछावर कर दें तो दीन के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? दीनी इदारों के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? दीनी लिटरेचर के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? इसलिए इस पूरे कल्चर को ही विजिट करने की जरूरत है, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है कि हमने क्या कमाया और क्या कमाया है। यहाँ गोड़ा शरीफ में भी मैं आया था तो मैंने अर्ज किया था कि एक तो वो बुजुर्ग हैं जिनकी तस्वीरें दिलों पर नक्श हैं और एक वो हैं जो आज पोलों पर लटक रहे हैं, टांगों के पीछे हैं, रिक्शों के पीछे हैं, बसों और ट्रकों के पीछे हैं। क्या इस बस्ती पर भी हमने जाना था? जब ये जो कल्चर है हमारे पीछे मुड़कर जाइए आप, अंग्रेजी में कहते हैं कि लेट अस गो टू बैक ग्लोरियस डेज। हमारे अकाबिर का खिताब होता था तो एक तिलावत देखना। अब जब मैंने इस कल्चर के खिलाफ तहरीक शुरू की तो हम नाफा भी माहिर है ना, उन्होंने बीच में एक पीर खड़ा कर दिया, फिर फिर अपना जम बैठा, बीच में खतीब साहब खड़े कर दिए, फिर फिर अपना जम बैठा। तो दीन का पैगाम कौन देगा? मैंने किसी उर्स में नहीं देखता कि वहाँ दीनी तरबियत का और छोड़ो सही नमाज पढ़ने का भी कोई इंतजाम किया जाता हो। अभी मैंने सुन रहा था इस संजय के लिए तो मुझे खुशी हुई
कि कम से कम दीन की तरबियत का कोई इंतजाम कहीं ना कहीं हो रहा है। हम सारे आयास में सैकड़ों के हिसाब से देने पड़ती हैं। इस सारे जो लाहौर से कभी मैं चलता हूँ तो मिलियंस के होर्डिंग्स हैं। ये पैसा लोग दीन के नाम पर देते हैं, क्या दीन को रिटर्न ये होर्डिंग्स मिलनी चाहिए? मैं कभी कभी जाता हूँ पंजाब में सियालकोट नारोवाल, तो मैं कहता हूँ कि जितने होर्डिंग्स हैं मिलियन के हैं, इनसे एक बड़े इदारे का सालाना पूरा बजट पूरा हो सकता है। चार चार कलर के दावतनामे, छह छह कलर के इश्तेहारात, अल्लाह के सामने जवाब नहीं देता। ये किसी के बाप के कारखाने चल रहे हैं उससे आ रहे हैं। ये कौम का पैसा है, ये कौम दीन के नाम पर देती है, ये कौम अज़मत मुस्तफ़ा के नाम पर देती है, ये कौम इश्क़ मुस्तफ़ा के नाम पर देती है। उसका सिरा ये तस्वीरें होनी चाहिए, तो फिर माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनसे कोई नहीं पूछा जाएगा कि ये उठें और कलमे हक बयान करें, ये मैदान में खड़े हों। ये ढेर हो गए हैं, इसलिए खड़े होने की जरूरत है इस्तेकामत के साथ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी ये उलमा इस्तेकामत के साथ खड़े हो जाएं, हक के साथ खड़े हो जाएं, पेशावर न बने, तो चंद दिनों में इंकलाब आएगा, चंद दिनों में तब्दीली आएगी। दीन का गलबा हमारे बंगलों का नाम तो नहीं है, दीन का गलबा हमारी जायदादों का नाम तो नहीं है। इसलिए मैं सेफी सिलसिले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मदारिस की तरफ आए। हमारी और दूसरों की दीनी मदारिस की मैन पावर में एक और दस की नस्बत भी नहीं है। फर्ज करें कि दस में से एक कोई जौहर काबिल निकलता है तो जिनके कुल दस हैं एक निकलेगा, और जिनके सौ हैं उनके दस निकलेंगे, और जिनके हजार हैं उनके सौ निकलेंगे। तो इसलिए मदारिस में जो मेन पावर है, आज दुनिया परेशान है इसके बारे में कि ये इंसानों का जंगल कहाँ से आता है और ये कहाँ मुआशरे में गुम हो जाते हैं, ये क्या करते हैं। पूरा अमेरिका, पूरा मगरब इस बारे में परेशान है, हमारे हमसे परेशान नहीं है। हमसे परेशान इसलिए नहीं है कि हमें अपने आप का जायजा लेना चाहिए कि वो हक कौन सा हक है कि जिसे बादल अपने लिए खतरा न समझे। वो तसव्वुफ कौन सा तसव्वुफ है कि अमेरिकन सफीरा जाए और कहे कि मैं मजार को रेनोवेट कर रही हूँ, अमरीका खर्चा दे रहा है, तो फिर अमरीकी सरमाए से मजारात को रेनोवेट करने से पहले डूब मरना चाहिए। इसलिए जब इन तालिबान से अमरीका लड़ते लड़ते थक गया तो उसने सोचा कि भाई सूफी इस्लाम को प्रमोट करो। चौधरी शुजात इमाम सूफी अवली के आगे अमेरिका में कॉन्फ्रेंसें होने लगी। मैंने अमेरिकन से कहा कि यह नुस्खा नहीं चलेगा, उनको तुमने 30 साल पाला है, प्रमोट किया है, टेक्निक दी है, वेपन दिया है, सरमाया दिया है, मोटिवेशन दी है, अब तुम चाहते हो कि कंप्यूटर में हम बटन दबाएं तो एक नई फोर्स खड़ी हो जाए, अचानक नहीं खड़ी होती। मैं अमेरिका में नूर टेलीविजन के अफ्तिता था तो मैंने कहा, अच्छा कहते हैं हम सूफी अच्छे बच्चे हैं, तो अच्छे बच्चे तो रोमने के लिए हो रहे हैं,
अच्छे बच्चे को क्रश करने के लिए, कुचलने के लिए होते थे। तो मैंने कहा तसव्वुफ की बात कर रहे हो तो मुजद्दद के तसव्वुफ की बात करो, तसव्वुफ की बात करते हो तो गौसुल आजम के तसव्वुफ की बात करो, कि जो सुल्तान वक्त के सामने कहें कि लोगों का खून चूसते हो और मुझे आकर तुम तोहफे देते हो। और मुजद्दद अल्फसानी की बात करें कि जो आज के मुंतखब हुक्मरान जो खुद कमजोर हैं उसके आगे नहीं, जो पूरे हिंद का सुल्तान था उसके आगे सब जवाब बनकर खड़े हो गए। तो ये जो तसव्वुफ है खसी किस्म का, ये कहां से आ गया? इसलिए इस तसव्वुफ पर भी जरा नजर की जरूरत है। और मैं बुजुर्गों से कहता हूं कि वो तसव्वुफ प्रमोट करो जिससे कोई ग्रंथ हो। अभी हाकिमियत इलाहिया की बात हो रही थी, दो साल पहले इमामुल हज ने ये दाइश अलकायदा इनको खारजी और तकफीरी कहा। मुझे तहवीर ने कहा कि आप खुतबे हज पर कमेंट्स दें। मैंने कहा कि मुझे इमाम हज से गिरा है, 30 साल से ये आग हमें जला रही थी, आपने एक कलमा नहीं कहा, आप उनको वसाइल दे रहे थे, आज ये तपश आपकी सरहदों के करीब पहुंची है तो आप तो पता चला कि ये तकफीरी है। ये मैंने टेलीविजन पर कहा, उन्होंने कहा कि हुक्मरान अवाम को हक दें। मैंने कहा कि खतीब हज जनाब शेख जो खुतबा हज तो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हजतुल वदा का तवारुस है, आपने तो पूरी इंसानियत को हक दिया था। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आज सऊदी अरब में कफील का इदारा अहद कदीम की गुलामी की जदीद शक्ल नहीं है? क्या इन जदीद गुलामों के लिए आप आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं? मेरे अजीजो, अभी उधर जब ये कल्चर उभरने लगा तो वहाँ एक बिन हाशिम शेख निकले, उन्होंने कहा कि क्योंकि इब्ने तैमिया ने कहा था एक तौहीद रुबूबियत है, एक तौहीद रुबूबियत है, एक तौहीद अस्मा व सिफात है, और एक उसने कहा कि एक तौहीद हाकिमियत है। अब जब पहली तीन किस्मों में तो करंट नहीं था, ये चौथी किस्म में करंट है कि बंदे अल्लाह के, ज़मीन अल्लाह की, मुल्क अल्लाह का, किताब अल्लाह की, रसूल अल्लाह के, और अल्लाह की कहीं का हुक्म नहीं चल रहा, तो फिर ये करंट पैदा होता है तो लोग उठते हैं और जान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्होंने यहाँ के सलफियों से किताबें लिखवाई, कितने नहीं होती तो ही नहीं काफ़ी, तो आप पढ़ते नहीं है ना दुनिया, काश के आप इर्द गिर्द और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको आप पढ़ें। एक अहले सुन्नत की का मसला ये है कि हम उम्मत से लाता लोग हैं, कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ला के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नहीं पूछेंगे कि अल्लाह की ज़मीन पर मेरी उम्मत पर क्या गुजर रही थी और आपने उनके दर्द को कब महसूस किया, शाम में क्या हो रहा है, लबनान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, किसी और मुल्क में क्या हो रहा है, हम उससे भी ज़्यादा लोग हैं। तो हमें उम्मत के साथ जुड़ना होगा, उम्मत के दर्द को समझना होगा। इसलिए अज़ीज़ान ग्रामी, मैं अमेरिका यूरोप भी जाता हूँ, हमारे उलमा ला ताल्लुक हैं।
अपनी मौज मस्ती में हैं, पुराने बूढ़े मिले हुए उसी तरह की तकरीरें हैं, नाफानियों के प्रमोटर्स हैं और नाफानों को और वायदों का अब जब नहीं मिलता आर्टिस्ट भी दिया जा रहा है और वही यूनिवर्सिटियों में नौजवान जब पढ़ते हैं। मैंने लास्ट ईयर सुन्नी कॉन्फ्रेंस में भी कहा था वो नेट पर जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाते हैं, प्रिंट मीडिया पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, वो देखते हैं कि जहाँ भी आप बरस रहे हैं मुसलमानों की सरजमीन है, किसी एक गैर मुस्लिम मुल्क पर कोई एक गोली आपको गिरती नजर आ रही है तो फिर उनके दिल में होता है कि ये जुर्म तो इस्लाम हुआ। अरब स्कॉलर उनको उनके जज्बात को उबारते हैं और फिर अपने रास्ते में इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा हमारे उलमा ने कभी इन नौजवानों के लिए जिनमें करंट है कोई मुस्तक कोई तामीरी मैदान मुंतखब किया कि उनका शिकार ना बने। हमें सोचने की जरूरत है, इतना बड़ा पुरनूर इज्तिमा है, इन हजरात की मेहनत है, मैं इस मेहनत को सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह तदय्युन है, तशर्रुह है, अदब है, नज़्म व ज़ब्त है, मुझे अच्छा लगता है। तरबियत का कोई निज़ाम है तो मुझे अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश है कि हर मज़ार और हर खानकाह पर जो बैठे हुए हैं सज्जादगान वहाँ भी कोई तरबियत का निज़ाम हो। तो क्या शाह महमूद महमूद कुरैशी तरबियत करेंगे, यूसुफ रज़ा की रानी तरबियत करेंगे, वो साल में उस पर पगड़ी पहनते हैं जन्नत छोड़ा दें सबको। इसलिए अब कोई लाइन थे जो अल्लाह के लिए और उठ खड़े हो मैदान में, हक और बातिल के फर्क को समझो। आज इल्मी प्रोग्राम है पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि वइन्नल आलिमा लयस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति वल अर्द हत्ता हीताना फिल बहर वत्तैर फिल जौ। के आलिम के लिए तो आसमान और ज़मीन की हर मखलूक अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करती है और लयुसल्लिमूना अला मुअल्लिमात मिन नासिल खैर कि वो जो लोगों को खैर की तालीम देता है उस पर सलात भेजती हैं, यहाँ तक के समंदर की मछलियाँ और फ़ज़ाओं में उड़ने वाले परिंदे भी। आपकी सलामती के लिए तो अल्लाह की सारी मखलूक है। मैंने सोचा कि ये मछलियों को क्या पड़ गई, परिंदों को क्या पड़ गई, तो उनके शऊर में भी अल्लाह ने ये रखा कि ये कायनात कायम है तो इल्म की बरकत से कायम है, ये कायनात कायम है तो रमाए रब्बानीन की वजह से कायम है। इसलिए इस कायनात की बका के लिए उलमाए हक और उलमाए रब्बानीन का होना ये ज़रूरी है। इसलिए इन इदारों का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में कर्नल साहब से कहूँगा कि वो अच्छी अच्छे स्टाफ मिलता है, अच्छे ख़ानदानों के बच्चे मिलते हैं, आप मेट्रिकुलेट लें या आप इसके साथ मैट्रिक स्कूलों का निज़ाम भी कायम करें। अब जो आने वाला वक्त है हमें उसकी ज़रूरत भी है। बहुत से हमारे दोस्त सोचते हैं कि मैट्रिक करके चले जाएंगे, मैं कहता हूँ चले जाएंगे, मैट्रिक करते करते कुछ तो दीन आप उनमें डाल देंगे ना, वो किसी शोबे में जाएंगे तो दीन के सिपाही बनेंगे। इसलिए अब दीनी मदारिस के साथ जदीद तालीम को जोड़ना और मरबूत करना ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ न बोलो, बोलो तो सही बोलो। जब पढ़े लिखे लोगों में आप गलत अंग्रेज़ी बोलोगे बोलेंगे तो फिर मजाक होता है,
आपके मुंह पर नहीं करते, जो फिर अपने दिल में करते हैं, अपनी मजलिसों में करते हैं। अब तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह के लिए जो पढ़ते हो उसको बरतो भी। ये उस्ताद लिखा हुआ था, आज ही मैं कॉलम लिख रहा था, तो उस्ताद को मैंने लुगत में देखा, फारसी का लफ्ज़ है, लेकिन उसके माने अच्छे भी है, मौले में खैर भी है। लेकिन जिस तरह आपके यहाँ ड्राइवर भी उस्ताद है, वर्कशॉप का मिस्त्री भी उस्ताद है, गाना सिखाने वाला भी उस्ताद है, अरबी लफ्ज़ जो है मनकूत के साथ उस्ताद है, वो सिर्फ मुअल्लिम के लिए आता है जिसकी जमा असाज़ा है। इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अलामा मुफ्ती शेर खान साहब हैं, पंजाब में आते हो तालीम, मैंने भी लाहौर से शुरू किया अपने हज़रत अलामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्कय्यूम अज़ालवी रहमतुल्लाह तआला से, लेकिन मैं आज तक तालिब इल्म हूँ। मैं कहता हूँ कि ये हमारे मुदर्रिसीन तलबा सर पढ़ेंगे तो दरस के दोस्तों दर्शन पहुदार सुन पुराने मंजर को मैं हूँ मदरसा सुन, तो किताब में मदरसा तुम पढ़ेंगे, किताब बंद करेंगे तो मदरसा हो जाएगा। पढ़ने का फायदा क्या होगा? आप उसको बरतने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सी चीजें मैंने आज देखी और सुनी, काफी इस्लाह की जरूरत है। तो जो कभी मैं आऊँ हमारे तलबा हों और हमारे असाज़ा इकराम हों तो उनसे हम बात करें, तो जो हम पढ़ते हैं उसको बरतने की भी जरूरत है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ ये तो नहीं है कि हमने गर्दान याद कर ली और वहां से निकले तो एक गाँव का अनपढ़ और हम एक जैसे होते। मैं कॉलम लिखता हूँ, दोस्त के लिए भी पढ़ता हूँ, कभी डिक्शनरी देखता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी दोस्तों से मालूम करता हूँ। सीखने की कोशिश करो, मुताले को अपने ऊपर लाजिम कर लो। और रिवायती तकरीरों का दौर नहीं है, अब मेहरबानी करो कि कुरान से जुड़ जाओ। आज दुनिया को कुरान के दर्द से लोग घेर रहे हैं और कुरान से हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। मैं उलमा से कहता हूँ कि एक रुकू कुरान का तर्जमे के साथ समझकर तफसीर के साथ रोज पढ़ना अपने ऊपर वाजिब करार दे दो। और जो आज फारिग तहसील हुए हैं वो ये ना समझे कि अल्लामा बन गए हैं, कि हमारा जो निज़ाम दरसियात है ये अल्लामा तो दहर नहीं बनाता, ये इतनी काबिलियत पैदा करता है कि आप किताब पढ़कर उसको समझ सकें। लिहाजा अल्लामा बनने का सफर आपका आज से शुरू होगा, आपने खुद पढ़ना होगा। ये जो उर्दू में लिटरेचर आ गया है ये दो धारी तलवार है, एक तो ये कि आलिम और जाहिल का फर्क मिट गया, ये इसका मनफी पहलू है। मुस्बत ये है कि लोगों को दीन से आगाही हो गई। मैं मेहरबानी करूँ कि तफसीर पढ़ो, मसाजिद में दर्स कुरान दो, यहाँ से लेकर दुनिया में कहीं चले जाओ, दर्स कुरान से वो लोगों को घेर रहे हैं। और हम रिवायती तकरीरें नामों वाली जो हमारे सामीन को याद हो गई है, मेरे दोस्त कहने के यूके में कि मुझे कहा कि फलां अल्लामा साहब आए तो चले तकरीर सुनते हैं, उन्होंने कहा मुझे मालूम है, कहने लगे आपको कैसे मालूम? मैंने कहा भाई चलो, मैं बैठ गया, मैंने कहा हजरत ये फरमाएंगे, हजरत ने वही फरमाया, तब तो मैं कहा हजरत ये फरमाएंगे तो हजरत ने वही फरमाया। तो मैंने इजारे के जलसे में कहा कि अगर मेराजुल नबी का मौका होगा तो वक्त का शेखुल गुल हो, शेखुल तफसीर हो, शेखुल हदीस हो, खतीब आज़म हो, खतीबुल असर हो, एक मुझ जैसा कमिल हो, मौज़न हो, वो भी आके मेम्बर में आके मलते हुए बैठे, सुभान का ये नुकता है, अल्लाह जी का ये है, असरा का ये है, अब दुरू का ये है। लेकिन अगर इनसे कहें कि आप खरीदो फरोख्त के मसाइल बयान करें तो 10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मेरे से तो हमें पढ़ना पड़ता है, किताब से रिश्ता नहीं है, कैसेट से रिश्ता है, तकरीरें छपी उनसे रिश्ता है। ये कौन सा इल्म है? एक साहब के जो मौलवी हैं उनकी तकलीफ का तो कमाल है,
यहाँ हजरत ने मुशों को हाथ लगाया तो वो लगाएंगे, यहाँ हजरत ने दाढ़ी को लगाया तो लगाएंगे, यहाँ टिशू लेकर अपना भाव साफ किया धो भी करेंगे। अरे तो ये क्या हो गया? अल्लाह के रसूल ने के बारे में है कि कान कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामन यस्माउहु कुल्लु मन समिअहु, कि अल्लाह के प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम ऐसा प्यारा कलाम था, ठहराव के साथ, वकार के साथ, मतानत के साथ, कि एक एक लफ्ज़ मोतियों की तरह गिर उतरता था और हर एक को बात समझ में आ जाती थी। अंग्रेजी में कहते हैं कि इवन यू कुड काउंट एवरी वर्ड, अगर मेरे आका की जबान से निकल हुआ एक लफ्ज आप गिनना चाहते हैं तो गिन सकते हैं। कायनात का कोई और इंसान आपको मिलेगा कि जिसकी जबान से एक एक निकला हुआ लफ्ज आज तक महफूज हो? पर आज क्या है बाबत उछल कूद करना, पसीने चूट रहे हैं, न जाने क्या हो रहा है, क्योंकि छा जाना चाहते हैं। आज छा जाने का जमाना नहीं है, आज दिल में उतरने का जमाना है। आज किसी को मबहूल करने का जमाना नहीं है, कायल करने का जमाना है। और कायल करने के लिए आपको अपने अहद का जो मुखातब है पढ़ा लिखा, उसका जो इंटेलिजेंशियल लेवल है, जहनी सतह है, उसको समझना होगा, उसकी इस्तेलाहात को समझना होगा, टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, मेरे अजीजों मुताला करना होगा। जो आज फारिग हुए हैं वो इन दोस्तों को चाहिए, मैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रिजवी से अर्ज करूँगा कि कोई काफ़ी रखे कि रोज़ाना या कम अज़ कम महीने के बाद या छः माह के बाद आपको रिपोर्ट करें कि उन्होंने कितना कुरान समझ के पढ़ा, कितने फुजला हैं उनसे आप कुरान निकाल के रखे तर्जमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा इज्तिमा है। मैंने डॉक्टर कर्नल सरफराज को साहब से कहा था कि मेरी बातें मजबूरन होती हैं, लोगों को खुश करने के लिए होती हैं, मेरे दिल में जो दर्द है मुझे वो मुंतकिल करना होता है, वो बयान करना होता है, और वह आजकल पॉपुलर नहीं है। जमाना पॉपुलर का दिनों का है, नाथवानों के सामने उछलने का। अभी मैंने कहा कि ये हजरतुल वदा, ये जुम्मतुल वदा का कितना कल्चर पैदा कर दिया गया, किधर से आ गया? और तौबा क्या हो गई है कि नाथवान को स्टेडियम में बैठा दो जलसे में, मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तो ये मजाक है तौबा का, ये तौहीन है तौबा की, ये कौन सी तौबा है? तौबा का इंसेंटिव इंसान के अंदर से पैदा होता है, इंसान की रूह और कल्ब से पैदा होता है कि अपने गुनाहों माजी की जिंदगी का जायजा लो, अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाओ, फिर इकरारे जुर्म करो, फिर उस पर नादिम हो जाओ, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर शरीयत के मुताबिक उसकी तलाफी करो, फिर आइंदा अल्लाह से पैमाने वफा बांधो कि ये गुनाह नहीं करोगे, फिर उससे तौफीक तलब करो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जब तक तेरा फजल शामिल हाल ना हो। अब ये काम भी हमने नाकाम के वाले कर दिए, कौम को इसी गोई पे लगा दिया। ये रास्ता नहीं है मेरे अजीजों, ये अल्लाह के रसूल ने नहीं सिखाया, ये दीन नहीं है, या ये अकाबिर उम्मत ने नहीं सिखाया, जिन औलिया से नस्बतें जोड़ते हो उन्होंने नहीं सिखाया। कौम को सही रास्ता बताओ, ये सारी जिम्मेदारी उलमा पर आती है। आजकल मुझे आत्मा कहते हैं कि हमारी तो आपने लड़ लगा दी है मौलवियों की खबर को, तो मैंने कहा कि अभी की बारी है, क्या करूँ मुझे बताए, हमने मरना है, अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, हमसे पूछा जाएगा कि आपने कलमे हक पहुँचाने का फरीजा अदा किया? तो अगर हम सरमायदारों को अब क्या, ये शहर शेठ साहब की नज़र, ये शहर चौधरी साहब की नज़र, ये शहर मीर साहब की नज़र, पीर साहब की नज़र, तो अल्लाह और रसूल कहाँ से आ गए? नोट तो इधर से आना है।
इसलिए इस तरह के तरबियती निज़ाम होने चाहिए। इसकी तहसीन करता हूँ मैं डॉक्टर कर्नल सरफराज साहब। ये कर्नल आप सुनते हैं, ये फाइटिंग सोल्जर नहीं थे, टैंक चलाने वाले। मुझे बताया गया कि ये पीड्स के कार्डिक स्पेशलिस्ट, यानी बच्चों के दिल के जो सर्जन होते हैं, माहरीन जो बहुत कम पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये उस शोबे के थे। और ये जब इस सिलसिले में आए तो नीचे यूनिफॉर्म और ऊपर पगड़ी बनकर बैठते थे, तो फौजियों ने कहा कि भाई ये पगड़ी हमारी यूनिफॉर्म के साथ ही चल नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पगड़ी नहीं चल सकती तो आपकी यूनिफॉर्म भी आपको मुबारक हो। छोड़ के दीन की तरफ आ गया। ये दिल के डॉक्टर हैं। पहले हमारे कुरान में ताकुल के लिए कल्ब आया, नफ्स आया, फुआद आया, ताकुल आया, और साइंसदान कहते थे कि ताकुल का ताल्लुक दिमाग से है, दिल से नहीं है, क्योंकि ये तो एक पंपिंग मशीन है और इनको अज़ाए रईसा कहते हैं। बस कहूँ हो गया टाइम कि दिमाग का पूरे वजूद पर कंट्रोल है लेकिन दिल पर नहीं है। इसलिए कोई दिमाग मफलूज हो जाए तो हवास काम नहीं करते, कोई चीज़ काम नहीं करती, लेकिन दिल काम कर रहा होता है। तो अब दो साल पहले आप तो लगाए ध्यान करते रहते हैं, कल के कैनेडियन डॉक्टर ने बताया कि दिल में भी ताकुल एक दर्जे का मौजूद है। तो मैं सूफिया को सलाम करता हूँ। बहुत पहले उन्होंने इन लताइफ की बात की और इस चीज़ को समझा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा, साइंस पुरानी हकायक की तस्दीक करती चली जाएगी। मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया और मदद चाहता हूँ आपके लिए। मेरी दुआएँ ख़ास तौर पर तलबा के लिए, फुजाला के लिए, अल्लाह इनकी जवानियाँ सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, अल्लाह इनको अपने दीन का सिपाही बनाए, अल्लाह इनकी बरकात से इनके ख़ानदानों को, माँ बाप को, पूरे मुआशरे को अल्लाह ताला नूरानी फरमाए, अल्लाह ताला इनको और हमको दीन की सही फहम और दीन पर इस्तेकामत नसीब फरमाए। फरमाए बुजुर्गों का फैज इसी तरह जारी जारी रहे। हमारे डॉक्टर कर्नल सरफराज साहब ने एक बहुत बड़ा मरकज बनाया है। मैं इनसे कहूँगा कि एक बड़ा मरकज आप जी टी रोड पर के करीब कहीं बनाएं कि जब कभी हमें गुजरें हम और ऐसा आलिशान देखें तुम्हारे रूह को सुरूर नसीब हो जाए। हमारा आलिया इल्ला बला हुआ।